लोगों को मिलेगा घर अपना या टूट जाएगा घर का सपना। बुधवार को नोएडा में यूपी सरकार के मंत्रियों की बैठक हुई। अपनी समस्याओं को मंत्री जी के सामने रखने के लिए होम बायर्स ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बाहर सुबह से ही इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। अथॉरिटी के खराब व्यवहार से होम बायर्स में काफी गुस्सा है। अथॉरिटी के अंदर बैठने के पुख्ता इंतजाम भी नहीं थे। वहीं लाखों होम बायर्स को अंदर जाने की अनुमति ही नहीं दी गई, जिससे होम बायर्स भड़क गए और हंगामा शुरू कर मोदी योगी हाय हाय के नारे लगाने लगे। मीटिंग हॉल में जाने के लिए होम बायर्स को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। प्रशासन से धक्का मुक्की भी हुई। महिलाओं और बुजुर्ग को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मीटिंग करीब 5:30 बजे शुरू हुई। इसमें होम बायर्स ने अपनी दिक्कतों को बयां किया। लगभग सभी की परेशानियां एक जैसी थीं। पहले सिलिकॉन सिटी में चेंज किया था 2010 से, वो प्रोजेक्ट चल रहा है तो 7 साल हो गए। हम अभी भी अपने घर की उम्मीद में लगाए बैठे हैं। हर मीटिंग में, हर दरवाजे पे, हर चौकट पे नोएडा अथॉरिटी से लेके MLA MP हर जगह जा चुके हैं। नतीजा अभी तक तो जीरो ही रहा है। ये बिल्डर इतने होशियार हैं कि इन्होंने रेरा में अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया ताकि वो लॉ को इवेक्ट कर सके। जितनी इंसॉल्वेंसी भी मिला है तो वहाँ पर बायर्स का स्टेटस नहीं मिल रहा है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का। हम ये चाहते हैं कि बायर्स को भी प्रेजेंटेशन मिल जाए फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, बिकॉज बैंक ऑफ बड़ौदा ने जैसे ऑर्डर वाले अगेंस्ट में तो इंसॉल्वेंसी दे दी है NCLT में, लेकिन उनके अंदर नहीं किया जाएगा अभी ऑर्डर रिजल्ट है। हम यही चाहते हैं कि बायर्स का ऐसा फ्लैट जल्दी मिले। मंत्रिमंडल में बैठे मंत्रियों ने लोगों को आश्वासन दिया कि यूपी सरकार होम बायर्स के साथ है, उन सब की परेशानियों को जल्द से जल्द निपटाया जाएगा। आश्वासन के बाद लोगों का गुस्सा शांत। घर खरीदारों ने एक एक कर अपनी समस्या बताया। कर सकते हैं तो हमने कुछ परेशानियां यहाँ पे अपनी रखी कि भाई ये नेक्सस जो है ये शासन प्रशासन का मिली भिगत से हुआ है। ये कोई ऐसा नहीं है कि बिल्डर ने अकेले ने कर दिया। अगर हम ये कह दें कि दूसरी सरकारों का था, उसका था, इसका था, अरे अभी जुलाई 2013 में JP को OC दिया गया 5 टावर का, जिसके तहत वो क्या कर रहा है कि 10% सुपर एरिया बढ़ा दिया। जब वो लेटर दे रहा है सुपर एरिया 953 स्क्वायर फीट है जबकि कारपेट एरिया 612 है, जो कि 38% की लोडिंग कॉमर्शियल तक में नहीं होती। अरे ये तो तुम्हारे सामने हो रही है, नोएडा अथॉरिटी का CEO साइन कर रहा है इस पे। अब हम ये थोड़ी कह देंगे जी ये पुरानी सरकारों ने किया है, आप कोई एक्शन नहीं करते। आपने अमेठी में बुलाया एक मीटिंग, सबको परेशान किया, सब ऑफिस से छोड़ के आ रहे हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं। अब ये मंत्री जी सुनेंगे, कल वो सुनेंगे, भाई अभी कोई सॉल्यूशन करिए। होम बायर मरा जा रहा है, वो EMI दे रहा है, वो घर का किराया नहीं भर पा रहा है, तो यही सारी परेशानियां हमने मंत्री जी को रखी हैं। लोगों की परेशानियां सुनने के बाद मंत्रिमंडल में मौजूद मंत्री ने लोगों को आश्वासन दिया बिल्डर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनके राइट्स को सुरक्षित किया जाएगा। वहीं पीड़ित होम बायर्स का कहना है समाधान आज तक नहीं मिला, आज भी मिला तो बस आश्वासन। अभी नोट कर लिया है, आश्वासन कुछ नहीं दिया क्योंकि वो उन सब चीजों पे क्वायरी करेंगे फिर करेंगे। अभी ऐसा हमें कोई आश्वासन नहीं दिया, उन्होंने कहा हम आपके पॉइंट्स पे सोचेंगे बोला है। हाँ हाँ, हमारी उम्मीद पूरी हुई, उन्होंने हमसे हमारी बात सुनी है ध्यान से और उस पर कार्रवाई भी होगी, ये हमें उम्मीद है। और भगवान करे जितने भी यहाँ बायर्स आए सबकी उम्मीदों को वो सुने और पूरा करे। हाँ जी, आज हमें अपनी उम्मीद पूरी होती नजर आ रही है। इससे पहले 8 साल हो गए हमें परेशान होते हुए, कभी अथॉरिटी आते हैं लेकिन हमें आज तक कोई उम्मीद नहीं मिली है, लेकिन आज हमें उम्मीद पूरी हो रही है। मंत्री जी ने कहा है कि ठीक है हम आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करेंगे और कल मिलते हैं यूनिटेक बिल्डर से। मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, यूनिटेक के हमारे लोगों के सभी साथ के लोग हैं और पूरा आश्वासन दिया है मंत्री जी ने कि आप लोगों की समस्या सुनी जाएगी। थोड़ा इंक्वायरी करने में टाइम लग सकता है लेकिन 7-8 साल से सभी लोग परेशान हैं, तो उनका करीब करीब 80% पेमेंट भी अथॉरिटी में जमा, बिल्डर के यहाँ जमा हो चुका था। मेन प्रॉब्लम क्या थी कि अथॉरिटी ने प्लॉट भी कैंसिल किया और जो बिल्डर का 350 करोड़ रुपये जमा था वो भी उन्हीं के पास है और उन्होंने प्लॉट को भी जब्त किया। हाँ जी, हाँ जी, अपनी बात उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी समस्याओं का निराकरण करेंगे जल्दी और कल भी शायद मुलाया है उन्होंने।
सर हमने जेपी जो हमारा स्पोर्ट्स सिटी में एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था जेपी बुद्ध सर्किट नंबर वन उसके बारे में बात की। हमने उनसे कहा कि 2013 में प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था और अभी तक 2017 चल रहा है जबकि पोजीशन की बात 2015 में थी ओके लेकिन उसमें अभी तक उन्होंने हमें कहीं वहाँ पर ईंट तक नहीं रखी गई है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू ही नहीं हुई है। सर उन्होंने कहा कि आप FIR करेंगे, हमने कहा FIR करके हमारा पैसा तो नहीं मिलेगा, हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं है, हमें अपना मनी चाहिए, हमारी हार्ड एंड मनी जो हमने इतने टाइम से सेव करके रखी है अपने पूरे अपनी फैमिली कमिटमेंट्स के लिए, वो हमें पैसा वापस चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी क्या घर खरीदारों को न्याय मिल पाएगा। रियलिटी मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।